सिर्फ उनसे कहा गया कि चोर पकड़े गए हैं और एक अलग ही चोर की नई दिशा दिशा करके उसको 2500 रुपए की चोरी दिखाकर उसको बंद करने की उन्होंने कोशिश कर दी। व्यापारी सड़कों पे होंगे, बाजार बंद का आह्वान किया जाएगा। आज हल्द्वानी के कोतवाली भवन में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। चोरी की घटना का खुलासा नहीं होने पर व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 3 माह पूर्व व्यापार मंडल के सक्रिय सदस्य के घर में एक बड़ी चोरी जिसका खुलासा लगभग 3 माह हो गया उसको नहीं हो पाया। इसके विरुद्ध आज पूरे शहर के व्यापारी इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन से इस बात के खुलासे की मांग करने आए थे कि अगर इस चोरी का शीघ्र खुलासा नहीं किया गया तो सारे व्यापारी सड़कों पर आकर उस मांग को जो हमें आज से लगभग करीब 20 दिन पूर्व हमसे कहा गया कि चोर पकड़े गए हैं और एक अलग ही चोर की नई दिशा दिशा करके उसको 2500 रुपए की चोरी दिखाकर उसको बंद करने की उन्होंने कोशिश कर दी। आज सारे व्यापारी इकट्ठे होकर उस कोशिश को नाकाम करने आए जिस कोशिश को उन्होंने ढकने का प्रयास किया था। वहीं सीओ सिटी भूपेंद्र धोनी ने व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले में तथ्यों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। शिव कपूर जी के यहाँ चोरी हुई थी पिछले दिनों मंडी क्षेत्र में, तो इसमें शुरू से ही टीम बना करके वर्कआउट में लगे हुए हैं। इसमें कप्तान साहब ने एक टीम बनाई थी, उसमें एसओजी की टीम भी थी, हमारे सर्विलांस जो देखते हैं लड़के सीसीटीवी कैमरे देखते हैं वो भी थे, थाना की टीम थी, पूरी टीम थी। उसमें बहुत तेज़ी के साथ में और बहुत विस्तार पूर्वक इसमें खोजबीन करी गई। दुर्भाग्य ये रहा कि उसमें जो है जो टेस्ट आउट हुए थे उसमें 2 मेंबर जो है किसी अन्य मामले में अपनी जमानत, एक तो पकड़ा गया दिनेशपुर में और एक जो है पीलीभीत में दूसरे मामले में जमानत तोड़ा के चला गया। तो अब इनको हम लोग, हमारा विवेचक जो है इनको अपनी विधिक प्रोसेस कर रहा है, जो बी वारंट लेंगे और उसके बाद में इनको पीसीआर इन लोगों की ली जाएगी और उसके बाद में इस चोरी की जो है रिकवरी और खुलासा बहुत जल्दी करेंगे। हल्द्वानी से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पैगाम न्यूज़ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।